यह पूरा मामला सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन का है। यहाँ पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग हो गया। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। पूरी रस्मों रिवाजों के साथ दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई गई, मंडप सजाया गया, बारातियों के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। ते समय पर बारात लेकर दूल्हा भी पहुंचा, लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया तभी सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। पहले कुछ बारातियों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया, उसके बाद भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने वरमाला के समय दूल्हे को नशे में उत्पात करते देखा, उसे काफी गुस्सा आया और उसने एक शराबी से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के इनकार के बाद मान मनुअल का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार की दोपहर तक चला, लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में लड़के वालों ने लड़की वालों के नगद हुए खर्च के 5 लाख का चेक उन्हें सौंपा, जिसके बाद सब कुछ शांत हुआ। इसके बाद बारात भी बेरंग बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। हालांकि दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। दरअसल लड़की वाले थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलपार के रहने वाले हैं। लड़की के पिता शिक्षक, लड़के वाले सामान थाना के ही नेहरू नगर के रहने वाले हैं और दूल्हे के पिता कृषि विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर का पुत्र है। दोनों की शादी बुधवार को आशियाना मैरिज गार्डन में होनी थी। बारात भी पहुंची, लेकिन बारात के साथ दूल्हा शराब के नशे में पहुंचा। दूल्हे और बारातियों ने वरमाला के समय शराब के नशे में काफ़ी हंगामा किया। जिस दूल्हे को इंजीनियर बताकर शादी की जा रही थी वो शराबी निकला, जिसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। बारात आई दुगरा शहर में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका उसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दुगरा शहर का संपन्न हुआ। फिर जयमाला आदमी गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुलटी गलत शब्दों का प्रयोग मतलब कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई, तलवार तलवार डालता था और तलवार करके फिर डालता था। पुलिस ने भी मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं आगे? क्या चाहते हैं आगे? मामले को हम चाहते हैं कि आपस में निपट जाए। क्या आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पी हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। अब वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहे हैं। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश थे? निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर की दूल्हा दारू पी के स्टेट में उत्पात मचा रहा। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक दिए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।